हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। झारखंड तेजी के साथ बदल रहा है और पिछले कुछ सालों में झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफी बदलाव आया है जो पूरे स्टेट के नजरिए को बदल दिया है। दोस्तों वर्तमान में झारखंड में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट में काम चल रहा है जिसमें कुछ परियोजनाएं बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ 2-3 सालों में बनकर तैयार होने वाले हैं। और दोस्तों कुछ परियोजनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड में बनने वाले 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो आने वाले वक्त में बदल देगी झारखंड की तस्वीर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड के टॉप मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो इंडिया में झारखंड को एक अलग ही पहचान दिलाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल। झारखंड के साहिबगंज वासियों की वर्षों पुरानी मांग अब धरातल पर उतर रही है। दो राज्यों सहित पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य साहिबगंज और मनिहारी से लेकर पूर्णिया तक तेजी से शुरू हो गया है। दोस्तों साहिबगंज में बनने वाला यह पुल देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल होगा। वहीं एक्स्ट्रा डोज तकनीक से बनने वाले पुल में ये देश में अब तक का सबसे बड़ा पुल होगा। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का शिलान्यास किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीन की कंपनी ने पुल निर्माण का टेंडर हासिल किया था। बाद में भारत चीन के तनाव की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। 2020 में पुनः टेंडर हुआ और अब ये टेंडर दिलीप बिल्डकॉन को मिला है। दोस्तों झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल लंबाई में भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुल होगा और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर होगी। ये झारखंड को बिहार से जोड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साहिबगंज में गंगा नदी पर बन रहे पुल को एक्स्ट्रा डोज तकनीक से बनाया जा रहा है और इस तकनीक से बनने वाला पुल यह देश का सबसे बड़ा पुल होगा। दरअसल इस तकनीक से केबल के सहारे पुल के लोड को बैलेंस किया जाता है। साहिबगंज का पुल 46 पिलर पर टिका होगा और प्रत्येक पिलर धरती के अंदर 70 मीटर नीचे तक होगा। दोस्तों 1900 करोड़ के लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण 2024 तक पूरा करना है। इसके बाद अगले 10 साल तक कंपनी पुल का रखरखाव करेगी। दोस्तों पुल पर चलने वाले वाहनों से टोल टैक्स भी वसूली जाएगी और इसलिए टोल प्लाजा का निर्माण भी होगा। देवघर एम्स। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और दोस्तों अब यही एम्स बन रहा है झारखंड के शहर देवघर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के कोने कोने में एडवांस मेडिकल सर्विस को पहुंचाना ही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी योजना के तहत देवघर एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। दोस्तों देवघर एम्स पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है जो पूरा होने पर एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विस झारखंड वासी को प्रोवाइड करेगा और उन्हें अब चिकित्सा के लिए बाहर के राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट मिनिस्ट्री द्वारा 2018 में देवघर एम्स को अप्रूव मिला था और उसके बाद से ही इसका निर्माण तेजी से हो रहा है। 26 अगस्त 2021 में एम्स का पहला आउटडोर कैंपस हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा वर्चुअल इनॉग्रेटेड किया गया था। दोस्तों देवघर एम्स की कैंपस 237 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सरकार को करीब 1100 करोड़ रुपए का लागत आ रहा है। और दोस्तों देवघर एम्स की लोकेशन काफी अच्छी है जो कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों किसी भी स्टेट में एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट होना उस स्टेट के लिए एक गौरव की बात होती है। आईएसबीटी टर्मिनल्स। दोस्तों झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के मैक्सिमम लोग बसों से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। रांची समेत 3 जिलों में आईएसबीटी का निर्माण कराया जाएगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर में आईएसबीटी का निर्माण कराया जा रहा है और इन शहरों के लिए DDPR तैयार कर ली गई है। दोस्तों कर्नाटक की परामर्शी कंपनी आईडेक ने लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईएसबीटी टर्मिनल बनने के बाद अब बहुत ही आसानी से दूसरे स्टेट में भी ट्रेवल कर पाएंगे और ये बस स्टैंड आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। दोस्तों झारखंड गठन के बाद राजधानी बनी रांची को प्रकृति ने खूब संवारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना में रांची का चयन 2016 में फास्ट ट्रैक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से
ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में किया गया। राज्य सरकार ने एचईसी की खाली 656 एकड़ जमीन रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड कराया। और दोस्तों, जमीन के एवज में एचईसी को 721 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। रांची के इस नए शहर में आधारभूत संरचना जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट इत्यादि के विकास पर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। स्मार्ट सिटी रांची में आवासीय, व्यवसाय, एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बड़ी संरचनाएं विकसित हो रही है। रांची को एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने के लिए 21% भूभाग शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। दो विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हाईटेक मॉल, 5-स्टार और 3-स्टार होटल्स रांची स्मार्ट सिटी की सुंदरता में 4 चांद लगाएंगे। दोस्तों, रांची स्मार्ट सिटी में 15,000 से ज्यादा डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लोगों के लिए फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा की जनसंख्या निवास करेगी। और दोस्तों, यह पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में होगा। देवघर एयरपोर्ट। दोस्तों, बात अगर देवघर एयरपोर्ट की करें तो देवघर एयरपोर्ट झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। देवघर एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिस पर काफी दिनों से काम चल रहा है और जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टर्मिनल बिल्डिंग पर बहुत ही खूबसूरती से बाबा मंदिर को दर्शाया गया है, ताकि जो भी देश विदेश से लोग देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही बाबा धाम की अनुभूति हो सके। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, इस रनवे पर एयरबस तक उतरने की क्षमता है। देवघर एयरपोर्ट में रनवे की सफलता टेस्टिंग और टर्मिनल तैयार होने के बाद अब एयरलाइंस कंपनी यहां से हवाई सेवा करने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं, देवघर एयरपोर्ट में 2 एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट और इंडिगो ने हवाई सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, फर्स्ट स्टेज में देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप झारखंड को और भी डेवलप होते देखना चाहते हैं, तो और कौन सा मेगा प्रोजेक्ट झारखंड में होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप झारखंड के कौन से प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है, तो मुझे फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।